हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे रोमांटिक ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा है जिनका नाम है द क्रेजी लव। और ये मूवी 1993 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे अपनी बॉडी दिखाने का बहुत शौक होता है। तो एक बार वो जब एयरपोर्ट में जाती है तो एक आदमी उसे मिलता है और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए बोलता है और वो लड़की भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और इसके बाद वो लड़की उस आदमी के घर में आकर अपने बॉडी पार्ट दिखाने लगती है और वो आदमी भी उस लड़की को गलत तरीके से टच करती है और तभी उस आदमी का बीवी उधर आ जाती है। और इसके आगे इनके साथ क्या होता है इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिनका नाम जेन होता है और ये बहुत ही खूबसूरत होती है। तो जेनी एक दिन बाथरूम में नहा रहा होती है और तभी उसकी मेड इधर आती है और उसे जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन जेनी अंदर आराम से मजे लेकर नहा रही थी। इसी बीच जेनी के घर में दो मॉन्क आती है तो जेनी की पेरेंट्स उस मॉन्क को अंदर लेके आ जाती है। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी जेनी नहा के बाथरूम से बाहर आ जाती है। दोनों मॉन्क आंखें फाड़ के जेनी को देखने लगती है क्योंकि जेनी यहाँ पर बिना कपड़ के होती है। ये देख के जेनी का डैड जेनी को रूम का अंदर भेज देती है और फिर जेनी का डैड मॉन्क से माफी मांगता है। दरअसल जेनी थोड़ा ज्यादा ही खुले विचार वाली होती है और ऊपर से जेनी को घर में कपड़े पहनने की आदत नहीं थी और तो और खास करके उसे उसका अंगों को दिखाना और खास करके जेनी का एप्पल को दिखाना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ देर बाद मॉन्क वहाँ से चला जाते है और जेनी कपड़े पहन के बाहर आती है। यहाँ से जाने के पहले वो अपनी डैड से मिलती है और उसकी डैड उसे पैसे देता है और कहते है, तुम गंदे लड़कों से दूर रहना और किसी के साथ भी उल्टी सीधी हरकत ना करना। इसके बाद जेनी अपनी मॉम से मिलकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। गाड़ी में बैठकर वो अपनी बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है जिनका नाम चैंग था। इसके बाद जेनी अपनी बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उसे भी यूके आने के लिए कहती है, लेकिन चैंग जेनी को मना कर देती है क्योंकि चैंग किसी काम में बिजी था। चैंग को मना करने के लिए जेनी थोड़ा उदास हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेनी एयरपोर्ट में पहुंचती है और अपनी दोस्त एना से मिलती है और एना की बॉयफ्रेंड उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे जिनका नाम सू होता है। और इसके बाद सू एना की गले लगकर ये कहता है, काश मेरा भी पास पैसा होती तो मैं भी आपके साथ यूके चलता। ये सुनने के बाद जेनी अपना टिकट सू के नाम करवा देती है और जेनी के ऐसा करने से एना और सू बहुत खुश होता है। असल में जेनी ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पर अकेले रहकर मजा कर सके। और इसके बाद जेनी एना को कुछ लेटर देती है और ये कहती है कि यूके जाने के बाद तुमने इनमें से एक चिट्ठी हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को भेजना। इसके बाद जेनी एयरपोर्ट से निकलती है। एयरपोर्ट से निकलते ही जेनी का नजर एक कपल पर जाती है जहाँ पर एक हस्बैंड उसकी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उस आदमी का वाइफ को जाने के बाद वो आदमी जेनी के पास आकर जेनी को फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि उस आदमी का वाइफ आज घर पर नहीं रहेगी। इसलिए वो आदमी आज रात जेनी के साथ मजा करना चाहता था, लेकिन तो पहले जेनी उस आदमी को मना कर देती है। लेकिन जब जेनी देखती है उसकी वाइफ वापस आ रही है तब जेनी जानबूझकर उसकी वाइफ को दिखाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जेनी को लेकर उनके घर में पहुंच जाती है और यहाँ पर भी जेनी अपने कपड़े उतरकर उधर बैठ जाती है और तभी उधर वो आदमी आ जाती है और जेनी से पूछने लगती है कि तुम कोई का मॉडल हो। इस पर जेनी कहती है, नहीं, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। और वो आदमी जेनी से कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद वो आदमी जेनी को चेक करने की बहाने उसके एप्पल का हाथ लगाने लगती है, लेकिन जेनी उसका इरादों को समझ लेती है और जेनी ये बात अच्छे से जानती थी कि उस आदमी का वाइफ कभी भी यहाँ आ सकती है और इसलिए जेनी उस आदमी को नहीं रोकती है। और ऐसे ही थोड़ी ही देर बाद उसकी वाइफ उधर पहुंच जाती है। उस आदमी की वाइफ को इधर आते ही जेनी उधर से चला जाती है और अब उन दोनों कपल के बीच लड़ाई होने लगती है। इधर जेनी बिना कपड़ों के ही बाहर निकल आती है और तभी रोड से एक टैक्सी जा रही थी और टैक्सी का ड्राइवर जेनी का बॉडी पार्ट्स देखने के चक्कर में टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी को एक दीवार के साथ ठोक देता है। इसके बाद जेनी शहर से काफी दूर चला जाती है जहाँ पर जेनी अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से पता चलता है कि वो कुछ दिन अकेले रह के मजा करना चाहती है क्योंकि जेनी का बॉयफ्रेंड अपने काम में बिजी था। इसलिए जेनी एंजॉय करने के लिए हांगकांग चला जाती है जहाँ पर जेनी को अकेला जाते देखकर दो आदमी उसके पास आती है और वो दो लोग जेनी को लिफ्ट ऑफर करती है। इधर जेनी भी उन लोगों की गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद ये दो लोग जेनी को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और गाड़ी रोककर जेनी के साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करती है। इस पर जेनी उन लोगों को रोकते हुए कहती है, तुम हमारे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं तो खुद ही आप दोनों के साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। और जेनी की इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही खुश हो जाती है और इसी बीच मौका पकड़ जेनी उन दोनों की आंखों पर स्प्रे कर देती है और उनकी प्राइवेट पार्ट पे मारकर उसकी गाड़ी लेके भाग जाती है। उन दोनों की जबरदस्ती करने के चक्कर में जेनी के कपड़े काफी फट गए थे, इसलिए जेनी बीच रोड में ही अपने कपड़े बदलने लगती है और जेनी का ये करतूत पास में बैठी देख लेता है और ये लोग जेनी का ये करतूत देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद जेनी इस कार को लेकर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद जेनी को एक पुलिस स्टेशन दिखाई देती है क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी। इसलिए जेनी उस गाड़ी को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ देती है और वो अपनी सामान उठाकर आगे चल देती है। जेनी के जाने के बाद वो दोनों अपनी अपनी कार को ढूंढते हुए इधर पहुंच जाती है और इधर अपनी गाड़ी पुलिस के कब्जे में देखकर वो दो लोग कहती है, ये गाड़ी हमारी है और एक लड़की ने हमें मारकर हमारा गाड़ी चुरा ली थी। लेकिन पुलिस को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता है और पुलिस ने उसकी गाड़ी का चालान काट देती है। इसके बाद हम फिर से जेनी को देखते है, वो एक होटल की बालकनी में बैठे हुए थे। तभी जेनी को उसकी
बगल वाले कमरे से आवाजें आने लगती है और उन गलत आवाज को सुन के जेनी बगल वाले कमरे में झांकती है, जहाँ पर जेनी देखती है एक कपल इंटीमेट होने में बिजी थे। इसके बाद जेनी वहाँ पर आराम से बैठकर उस करतूत को देखने लगती है और जब वो कपल जेनी को बैठा हुआ देखती है तब वो कपल बुरा मानने की बजाय जेनी के साथ दोस्ती कर लेती है, क्योंकि वो लोग भी जेनी की तरह खुले विचार वाले थे। जेनी के पूछने पर वो लड़का अपना नाम यंग बताते हैं और लड़की का नाम मैरी होता है। और इसके बाद शाम में जेनी उन लोगों के साथ समुन्द्र किनारे काफी इंजॉय करती है। यहाँ पर काफी इंजॉय करने के बाद यहाँ पर ही रात बिताने का प्लान बनाती है, जहाँ पर जेनी यंग से पूछती है कि तुम मैरी को कितने दिन से जानती हो। इस पर यंग मैरी से कहता है, मैं मैरी से 3 दिन पहले ही मिला हूँ और मैं अपने लाइफ का हर पल इंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद यंग जेनी से कहता है, मैं तब तक किसी रिलेशन में रह सकता हूँ जब तक उस रिलेशन में प्यार का एहसास हो, क्योंकि जब प्यार का एहसास नहीं होता है तो फिर बेकार का रिश्ते का क्या फायदा। उधर जेनी भी उसका बातों को ध्यान से सुन रही थी और जेनी को भी ये बात काफी सही लग रही थी। उधर सुबह होने के बाद ये दोनों जेनी को बाय बोलकर इधर से निकल जाती है और ये दोनों की जाने के बाद जेनी अकेला ही यहाँ वहाँ बीच में घूमने लगती है। इसके बाद हम एक लड़का को देखते हैं जिनका नाम डेव था और डेव भी जेनी को देख रहे थे। इसके बाद जेनी डेव के पास जाती है और डेव के साथ दोस्ती कर लेती है और इसके बाद ये सीन काट हो जाती है और जेनी को डेव के घर पे देखते हैं, जहाँ पर जेनी टायर्ड होने की वजह से डेव की बेड पर ही सो जाती है। इसके बाद जेनी उठ के डेव के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद ये दोनों बातें करती है और यही पर जेनी डेव से पूछती है, तुमने मुझे जब पहली बार देखा था तब क्या तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने का मन किया था। ये बात सुन के डेव हाँ कहती है और इसके बाद ये दोनों सेक्सुअल बातें करने लगती है। इसके बाद जेनी के मन में सेक्सुअल फीलिंग आती है और जेनी उस लड़के को किस करने के लिए कहती है और डेव जेनी की बात को सुनकर डेव जेनी के साथ किस करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। और इसके बाद से ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिए थे। अब ये दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो गए थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय भी करते थे और ये लोग एक दूसरे के साथ पाकर काफी इंजॉय भी करने लगते थे। और फिर एक दिन जेनी डेव के साथ शॉपिंग करने के लिए आए थे। इसके बाद जेनी एक दुकान में जाकर अपने लिए चश्मे देखने लगती है और इधर जेनी की बेहद खूबसूरती को देखकर दुकान की मालिक भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए सोचता है, इसलिए उस दुकानदार जेनी को पटाने के लिए एक कपड़ा और एक चश्मा फ्री में दे देता है। ये सब देखकर डेव को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जेनी को लेकर यहाँ से चला जाती है, लेकिन दुकानदार उन्हें रोककर शाम में एक बार में आने के लिए कहती है। इसके बाद शाम में उन तीनों को एक बार में देखते हैं। इस बार में जेनी काफी ज्यादा शराब पी लेता है और उस दुकान के साथ डांस करने लगती है और तभी उस बार में वही दो गाड़ी वाला उधर आ जाती है और इधर जेनी को डेव के साथ देखकर ये दोनों समझ जाती है कि जेव डेनी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये दोनों बाथरूम में आकर डेन को कहती है जेनी एक धंधा करने वाली लड़की है और तो और जेनी एक बार इंटीमेट होने के लिए काफी पैसे लेती है। इस बात में डेव उनसे पूछती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है। इस बात पे ये दोनों लड़के झूठ बोलते हुए कहती है, हमने जेनी को पैसे देकर काफी बार उसके साथ इंटीमेट हुआ हूँ। लेकिन डेव को उन दोनों की बात पर यकीन नहीं होता है और वो उन दोनों की बात को इग्नोर करके बाथरूम से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद ये देखता है वो दुकानदार जेनी को यह हुआ गलत तरीके से टच कर रहा है, लेकिन जेनी भी उस दुकानदार को ऐसा करने के लिए नहीं रोक रहा है। और ये सब देखने के चलते डेव का दिल टूट जाता है और डेव अपने घर में चला आता है। और डेव को उधर से चला आने के बाद जेनी भी उस दुकानदार से पीछा छोड़ा के उधर से चला आती है। इधर डेव को भी उन दोनों लड़कों की बात यकीन आने लगी थी, तब डेव उस लड़की को धंधे वाली कह के अपने घर से निकाल देती है। अब रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए जेनी रात बिताने के लिए एक होटल में आती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जेनी को हम एक रोड में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेनी का मुलाकात यंग से होती है और जेनी उधर अपनी और डेव के बारे में सारी बात बताती है। इधर जेनी की बात को सुनने के बाद डेव उसे समझाती है और कहती है, डेव तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और तुम्हें खो देने की वजह से वो तुम्हें डांटा होगा। यंग की बात सुनने के बाद डेव डेन का घर जाती है और यहाँ कर जेनी देखती है कि डेव दीवारों में उनकी पेंटिंग बना के रखी है। और इधर जेनी उसकी सारी बातें डेन को एक्सप्लेन करती है और इधर डेव भी अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहती है। इसके बाद डेव जेनी को अपने गले से लगा लेती है और इसी मूवी का यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।